ऐसी बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। ग्रामीण टीवी यूट्यूब चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। 12 महीना से अधिक हो गया हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के गरीब किसान जो हैं कि गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर बैठकर जो है कि सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं और सरकार बेइम्तिहा इन लोगों पर जुल्म ढाती रही। कभी इन लोगों को मवाली कहा गया, कभी इन किसानों को खालिस्तानी कहा गया, कभी इन किसानों को गुंडा कहा गया, कभी इन किसानों को छोटे छोटे गैंग के टुकड़े कहा गया। लेकिन तीनों बॉर्डर, गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर मिठाइयां बांटी जा रही। मैं किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। लोग खुशी से पागल हैं क्योंकि सरकार के 3 कृषि कानून, उसमें ये स्पष्ट होता है कि इस कृषि कानून के माध्यम से सरकार जो है कि किसानों की जमीन को जो है कि कारपोरेट घराने के हवाले करना चाहते थे। इन किसानों पर कभी सरकार के ही मंत्री के बेटे ने गाड़ियों से रौंद दिया, कभी पुलिस के लाठी बरसाए गए, वाटर कैनन से पानी बरसाया गया। इतनी बेरहम सरकार भी नहीं देखी है। और 8 फरवरी 2021 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन किसानों को क्या कहा था? ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी हो। जानते हैं आप लोग परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी का मतलब वो जीव होता है जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, जैसे जोंक और फीता कृमि एंड अमीबा। ऐसे जीवों का उदाहरण जो है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इन गरीब किसान, इन लाचार किसानों को कहा। आप लोग समझ सकते हैं, कृषि कानून नहीं आने से पहले अडानी के द्वारा रेलवे प्लेटफार्म के सामने बड़े बड़े गोदाम बनाना चालू कर दिए। इन जमाखोरियों के लिए यह कानून बनाया गया था। एक सरकार ही बुद्धिमान है, बाकी जितने लोग हैं हमारे भारत में सारे लोग अनपढ़ हैं। तभी तो सरकार आज बैक फुट पर आती नजर आई। और ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा अभी क्या कहा जा रहा है। राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री को एक चैलेंज किया गया था, जिसको ये भाजपाई जो है कि इनको पप्पू समझता है। और ये पप्पू ने क्या कहा था, यह जरा सुन लीजिए। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट द फार्मर्स आर डूइंग एंड आई फुली सपोर्ट द फार्मर्स एंड आई विल कंटिन्यू टू स्टैंड विद देम। आई रेज देयर इशू इन अ यात्रा इन पंजाब एंड वी विल कंटिन्यू टू डू इट। मार्क माय वर्ड्स, टेक इट फ्रॉम मी, दीज लॉज द गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू टेक देम बैक। रिमेंबर व्हाट आई सेड। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आज क्या कह रहे हैं, देश की जनता समझती है और देश की जनता विचार करेगी कि आज 700 से अधिक किसानों का जो कि आत्महत्या, बलिदान, इन बेरहमों को किस तरह जवाब देगी, ये देश की जनता समझती है। और आज भी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ जब तक सरकार जो कि इस 3 कृषि कानून को रिवील का प्रोसेस, यानी रद्द करने का प्रोसेस जो है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में शुरू करने वाली है। और एक बड़ी बात, ये जो गोदी मीडिया है, खास करके जी न्यूज के हमारे सुधीर चौधरी जी जो हैं, उन्होंने अपने चैनल पर बाकायदा कार्यक्रम चलाया था। क्या कार्यक्रम चलाया था जानते हैं?
जब प्रधानमंत्री ने इन किसानों को, इन गरीब किसानों को, इन लाचार किसानों को परजीवी कहा, तो सुधीर चौधरी ने इन किसानों को अय्याश जीवी कहा। ये किसान है या शैतान है? गुंडे मोबाली शराब और शबाब का अड्डा बताया था, आज सरकार बैकफुट पर क्यों आई? आज ये लोग थूक कर चाट रहे हैं क्या? आज इसको किसान समझ रहे हैं? कल तक तो ये लोग किसान नहीं थे, ये लोग खालिस्तानी थे, ये लोग गुंडे थे, ये लोग मोवाली थे, इन लोगों का हाथ जो है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ थे। समझने वाली बात है, अगर किसी के साथ जुल्म होता है और आप देख कर चुप रहते हैं तो अगला बारी आपका है, ये कभी मत भूलना। और हिंदू महासभा के सचिव पूजा शकुन पांडे ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह का अपशब्द का प्रयोग किया है, की बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका पाप एक नहीं, की बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका पाप एक, की बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका पाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीज़ें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी, पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे, अब तो उन्हें भी लगेगा हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी CNRC इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। इस कारण से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है उनकी तस्वीर को भी हटाया है हमारे कार्यालय से। ये कोई दूसरा कोई करके दिखा दे तो उस पर नए कानून, नए एक्ट लागू हो जाएंगे, टीवी में नया डिबेट चालू हो जाएगा और उसी पे महंगाई बेरोजगारी के मुद्दा को छोड़कर उसी के पीछे लगे पड़े रहेंगे। किसान आंदोलन के पूरे तकलीफ को अगर समझना है तो कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला का ये बयान। साथियों, आज किसान, मजदूर, मंडी मजदूर और दुकानदार की जीत का दिन है। आज उन 700 से अधिक किसानों की शहादत की जीत का दिन है जिन्होंने दिल्ली की सीमानों के संयुक्त मोर्चा की, ये जीत है समूचे विपक्ष की जिन्होंने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसान संसद में पहुंचकर यह संदेश दिया था कि पूरे देश का विपक्ष बगैर किसी पक्षपात के एक चट्टान की तरह किसान और खेत मजदूर के साथ खड़ा है। साथियों, आज जश्न मनाने का दिन नहीं, आज मोदी जी द्वारा माफी मांगने का दिन है। आज मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना अपराध स्वीकार किया है जो उन्होंने इस देश के किसान, खेत मजदूर और खलिहान के खिलाफ किया है, और अब सजा जनता। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों की आजीविका पर तलवार लटका कर रखी गई। सरकार द्वारा कहा गया कि पूंजीपतियों को पूजने वाली सरकार खेती विरोधी 3 काले कानूनों से किसान की आजीविका की हत्या करेगी, और आज आखिर में
और आज आखिर में एक साल के 12 महीने के किसान के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी और एक अहंकारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसान और मजदूर की जोड़ी पर ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं, मगर देश भूलेगा नहीं मोदी जी कि आपने एक घृणित पाप जो किया था अब उसे वापस लेने का निर्णय किया है, और वो भी किसान को रौंदने, उसे नष्टर चुभाने और बर्बर यातनाएं देने के बाद। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नष्टर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया, और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया। समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक अस्त्र मिल गया है सरकार को परास्त करने का। जितना श्रेय हमारे किसानों के आंदोलन को जाता है, हमारे किसान भाइयों को जाता है, वहां मोदी सरकार का 5 राज्यों में पंजाब से उत्तर प्रदेश तक हारने के डर को भी जाता है। अब जनता समझ गई है, इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। पिछले 7 सालों से लगातार मोदी जी और उनके मित्रों ने किसानों का दमन किया। कि सरकार में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को दिए जाने वाला बोनस बंद कर दिया, प्रांतों को कहा अगर बोनस दोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। मैं फिर याद कराऊं, पिछले 7 सालों में किसानों के जो उचित मुआवजा अधिकार कानून जो कांग्रेस लाई थी, उसे खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। जब उन अध्यादेशों के खिलाफ समूचे विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से खेत खलिहान तक लड़ा, तो वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा करके सत्ता में आए मोदी जी ने कहा कि लागत पर 50% मुनाफा कभी दिया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनाया और 27,000 करोड़ का मुनाफा चंद मुट्ठी भर बीमा कंपनियों को कमवाया।
कृषि की लागत 25,000 रुपया हेक्टेयर बढ़ा दी। खेती पर टैक्स लगाकर, खाद पर टैक्स लगाकर, कीटनाशक दवाई पर टैक्स लगाकर, ट्रैक्टर पर टैक्स लगाकर, खेती के उपकरणों पर टैक्स लगाकर और डीजल पर 3.56 रुपया से टैक्स 28 रुपया प्रति लीटर बढ़ाकर और आय दुगनी करने का वादे की बजाय किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन रह गई। काले कानून, काले कानून जो मोदी जी की देन थी और उनके षड्यंत्रकारी पूंजीपति मित्रों की, वो तो आज हार गए, पर 5 सवालों का जवाब हमारा प्रधानमंत्री जी से आज देश के किसानों, देश के खेत मजदूरों, देश के मंडी मजदूरों, देश के मंडी के छोटे छोटे दुकानदारों, उनके पल्लेदारों और गरीबों की ओर से हम मांगते हैं। पहला सवाल, मोदी जी देश को आज ये भी बताइए, देश को आज ये भी बताइए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिले इसका रोड मैप और रास्ता क्या है। दूसरा सवाल, किसान की आय फरवरी 2022 तक दुगनी करने का वादा किया था, पर NSO भारत सरकार के मुताबिक इन सारे 5 और 6 किसान विरोधी निर्णयों के बाद किसान की औसत आय 27 रुपया प्रतिदिन और किसान के औसत कर्ज 74,000 रुपया हो गया है। तो किसान की आय दुगनी करने का रास्ता क्या है और वो कब तक होगी। तीसरा सवाल, किसान के ईंधन डीजल पर 3.56 रुपया प्रति लीटर से 28 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ने का जो काम किया है उसे वापस करने का इरादा क्या है। चौथा सवाल, खेती पर जो टैक्स लगाया है, GST लगाया है, उससे राहत देने का रास्ता क्या है। 5% खाद पर टैक्स लगा दिया, 18% कीटनाशक दवाई पर लगाया, 12% ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर लगाया, तो खेती को टैक्स से GST जो लगाया उससे राहत देने का इरादा क्या है। और पांचवां, सुप्रीम कोर्ट और संसद में कहते हैं किसान की कर्ज मुक्ति का पैसा नहीं, पर आपकी NSO कहती है कि देश का हर किसान 74,000 रुपया कर्ज के, औसत कर्ज के नीचे दबा है, तो किसान की कर्ज मुक्ति का की मंशा क्या है। इन 5 सवालों का जवाब भी आपसे इस देश के 62 करोड़ अन्नदाता मजदूर, किसान और छोटे छोटे मंडी में काम करने वाले मंडी मजदूर और मंडी के आड़ती दुकानदार मांगते हैं। लगे हाथ इसका जवाब भी प्रधानमंत्री देश को दें, क्योंकि अपराध तय होना है। 700 किसानों के दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगे आइए मोदी जी, माफी मांगिए देश के किसान से, जिसे आपने पौने 12 महीने तक दिल्ली के सीमाओं पर आपने उन्हें दर दर की ठोकरे खाने को लाखों की संख्या में बिठा रखा था। माफी मांगिए उस अन्नदाता से मोदी जी, जहां उन 700 से अधिक किसान परिवारों से जिन्होंने आपकी हट धर्मिता के चलते, आपके राजहट के चलते, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दिल्ली की सीमाओं पर दे दी। माफी मांगिए मोदी जी लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश के उन किसानों से जिनको आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने टायरों के, जीप के टायरों के नीचे कुचल डाला। माफी मांगिए मोदी जी उस षड्यंत्र के लिए जो मुट्ठी भर पंज पूंजीपतियों को खेती को बेचने का मोदी जी और भाजपा ने किया था। और माफी मांगिए मोदी जी देश के उस 62 करोड़ अन्नदाता से जिसको, जिसकी प्रताड़ना आपने की, जिसकी यातना आपने की, जिसे आपने नक्सलवादी और उग्रवादी बताया, जिस किसान और जवान को, जवान जिसका बेटा है और किसान खुद है,
जिसको आपने यातनाएं दी और जिसके रास्ते में नश्तर बिछवाए और जिसे खुद के देश की राजधानी में आने पर प्रतिबंध लगाया, आज प्रधानमंत्री जी आपका माफी मांगने का दिन भी है। उम्मीद है कि आज आप इन पांचों सवालों का जवाब भी देंगे, आज माफी भी मांगेंगे, क्योंकि जनता अब जान गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। मुस्लिम वो अस्त्र और शस्त्र हैं जिसका निशाना राजनीतिक पार्टियां बड़े सही और सही वक्त पर निशाना लगाते हैं, लेकिन पता नहीं आज नरेंद्र मोदी आने वाले चुनाव को देखकर इन परजीवियों, इन जोंक और फीतक कृमियों के लिए तीनों कृषि कानून को क्यों वापस ले लेते हैं। और देश की जनता 700 किसानों का बलिदान, 700 से अधिक किसानों का बलिदान का बदला और सरकार के कड़े रुख का जवाब किस तरह देगी आने वाले वक्त बताएगा। जय हिंद।